Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YouTube family. Umeed karti hoon sab khair aur afiyat se honge. Allah taala sabko apne zaman mein rakhe. Ameen. Aaj main aapke saath share karne ja rahi hoon shakar qandi ko aise bagair ubalne usko khaya ja sakta hai aur woh aapke saath main share karti hoon. Jab hum isko paani mein ubalenge to isme bahut zyada paani reh jata hai. Jab isko khaye meat mein paani mera hota hai to hum isko steam deke banayenge. उसके लिए मैंने आधा पानी डाल दिया था बड़े से बर्तन में. उसमें मैंने ये शक्कर कंदी ऐड करना शुरू कर दी थी. अब आप इस चूल्हे की तेज आ जाए इस तरह बर्तन के ऊपर आपने कपड़ा ढक लेना. अगर आपके पास फॉइल है तो फॉइल लगा सकते हैं. बेहतर है कि आप इस तरह अपने घर में जो किचन में यूज़ होता है साफ कपड़ा रोटियों के लिए साफी में बोलते हैं उसको ये रख के ऊपर ढक्कन से ढक दें और फिर इसकी आँच आपने हल्की मीडियम से कर देनी है और उसको स्टीम होने देना है. ये थोड़ी देर बाद हमारा चेक कर लें 10-20 मिनट के बाद तो इंशाल्लाह आपकी शक्कर जल्दी रेडी हो चुकी होती है. ये देख लें सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर अंदर में ये मेरी क्योंकि मेरी तो है ही 4 पीस थे. आपके जितने पीस हो उस हिसाब से आपने टाइमिंग को सेट कर लेना. ये देखिए आराम से इसका छिलका उतर जाता है. और एक इसकी आपको मैं बात बताऊँ, इसकी आप चिप्स भी बना सकते हैं जो इस तरह सामी वो इसको अच्छे तरीके से काट के साफ कर लें कच्ची शक्कर गंदी. और जैसे चिप्स काटते हैं चिप्स के आलू काटते हैं इस तरह काट के आप ऑयल में फ्राई कर सकते हैं. वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ तरीका. और ये हमारी हो गई है शक्कर कंदी रेडी. और इसमें मैंने केचप से डाल के थोड़ी सी इसकी लुक चेंज कर दी थी. ये हमारी शक्कर कंदी कौन सी है जो हमने स्टीम लेके बनाई ना के पानी में बॉयल करके बनाई. ठीक है, अब देखिए इतनी ये सॉफ्ट है इसमें कोई पानी शानी नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है. और ये अब हम इस आपके सामने शेयर करने लगी हूँ कि इसको हमने अच्छी तरह से छील लिया था और इसके मैं बनाने लगी हूँ चिप्स जिस तरह आलू पे बनाते हैं. तो ये देखें इधर से और इनको इस तरह और के हमने ब्रेड फ्राई कर देना जिस तरह से ये मान लू कि चिप्स फ्राई करते हैं. ये देखें आप भी जरूर ट्राई करें, आपको जिस तरह जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से बना के बच्चों को दें और खुद भी खाएं और इन्जॉय करें. अपनी दुआओं में याद रखें. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. इंशाल्लाह नए व्लॉग रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपनी दुआओं में याद रखें.